वेलकम टू अवर चैनल टेक्निकल मानस। दोस्तों, आज इस टॉपिक में हम लोग थ्री फेज एनर्जी मीटर या मल्टी फंक्शनिंग मीटर MMF के बारे कनेक्शन के बारे में हम लोग सीखेंगे। इसे सिटी के साथ इसका कनेक्शन कैसे रहता है और सेम एनर्जी मीटर हम लोग सिंगल फेज में कैसे कनेक्शन करेंगे। पीछे में जो ड्रॉइंग कर लिया, यह थ्री फेज विद न्यूट्रल सिस्टम का। अगर यही एनर्जी मीटर अगर हम लोग सिंगल फेज में यूज करेंगे, मतलब घर में यूज करना चाहेंगे, कोई इंडस्ट्री सिंगल फेज यूज होता है जहाँ पे, वहाँ पे कैसे यूज करना चाहते हैं, तो उसका कनेक्शन कैसा होगा वो भी आज हम लोग देखेंगे। पहले थ्री फेज का देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये एक एनर्जी मीटर, कोई भी कंपनी का एनर्जी मीटर हो सकता है, स्नाइडर, ABB, सीमेंस, ठीक है। तो अभी इसका कनेक्शन के बारे में देख लीजिए। ये जो डिजिटल एनर्जी मीटर है, यहाँ पे आप लोग कुछ भी देख सकते हैं, पावर फैक्टर, फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज, करेंट और मैक्सिमम डिमांड, KWH जो इसमें यूनिट है, KVAH, ठीक है, KVRH, तो सारा चीज आप लोग देख सकते हैं। तो इससे कनेक्शन कैसा होगा, तो इसको ऑन करने के लिए यहाँ पे देखिए, मैं ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है ना, ये एक थ्री फेज विथ न्यूट्रल एक बस बार सिस्टम है। मान लीजिए वही पैनल है, इसका बस बार सपोज 1200 एम्पियर का है, 1200 एम्पियर का बस बार है। ये सिस्टम में हमारा कितना KWH कंजम्पशन हो रहा है, कितना करंट जा रहा है, कितना वोल्टेज है, कितना KWH है, वो सारा चीज हम लोग को देखना है। तो इसमें हम लोग एक मीटर इंस्टॉल करेंगे, इससे कनेक्शन कैसा होगा इसको जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे दो पोर्ट रहेगा ये डिजिटल मल्टीफंक्शनिंग मीटर को ऑन करने के लिए, एनर्जी मीटर को ऑन करने के लिए। इसको ऑन करने के लिए क्या है, फेज और न्यूट्रल चाहिए। देखिए, मैं फेज दे दिया, आर फेज से दिया और न्यूट्रल से उठा के दिया, ये इसका स्क्रीन ऑन हो जाएगा, डिजिटल स्क्रीन। तो इसका सप्लाई कितना होना चाहिए, 110 वोल्ट से लेके 220 वोल्ट। अगर जो जिसका काउंटर सप्लाई जो पैनल का 110 वोल्ट है, अभी आप 110 वोल्ट देके भी यूज कर सकते हैं, और अभी 220 के सिस्टम में तो 220 देके भी आप ऑन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे तो हम लोग क्या बोले, इसके साथ हम लोग वोल्टेज और करंट मेजरमेंट करेंगे, V और I। तो हमारा जो इलेक्ट्रिकल का कोई भी जो यूनिट है, कोई भी सिस्टम किसी का मेजरमेंट करना चाहेंगे, तो सबके साथ किसके साथ रिलेटेड है, वोल्टेज और करंट के साथ। अभी पावर कैलकुलेट करेंगे, KW क्या है, अगर थ्री फेज सिस्टम होगा, √3 VI × cos φ, cos φ भी डिनोट करेगा वोल्टेज और करंट से, पावर फैक्टर, ये cos φ वाला पावर फैक्टर, वोल्ट मिलेगा, करंट मिलेगा। तो वोल्टेज और करंट को सेंस करने के लिए हम लोगों को कनेक्शन करना जरूरी है। तो वोल्टेज कैसे पता चलेगा, ये कितना वोल्ट का सिस्टम है, तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए RYB तीनों से रेफरेंस लेके, मतलब ये पतला वाला वायर लेके 1.5 square mm का ले सकते हैं आप। तो सबको तीनों बस बार से, चार जो बस बार है RYB न्यूट्रल, चारों बस बार से हम लोग पतला वाला वायर लेके टैपिंग करके हम लोग इसको दे दिया, VA VB VC और VN। यह अगर ध्यान रखिएगा, आर फेज का जो रेफरेंस आर में होना चाहिए, वाई का वाई में, बी का बी में, और न्यूट्रल का न्यूट्रल में, ठीक है। तो यह तक कनेक्शन इसका हो गया। इसके बाद क्या है, इसका सिटी का कनेक्शन जा रहा है। सिटी क्या है, सिटी हमारा करंट ट्रांसफॉर्मर जो हमारा एक एम्पियर मेजरमेंट करेगा। तो करंट ट्रांसफॉर्मर है ये हमारा, तो सिटी है CT1 CT2 CT3, तीन सिटी है, तीनों फेज के लिए तीन सिटी है। इसीलिए क्या है कि सिटी का आप जानते हैं सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है। ये जो बस बार है, कभी कभी इंटरव्यू में पूछा जाता है तो सिटी का प्राइमरी क्या है, तो आप बोले जो बस बार में सिटी लगा रहता है वही इसका प्राइमरी है। और सेकेंडरी क्या है, जो पतला वाला वायर निकल के आता है, S1 और S2, तीनों सिटी का S1 S2 है। ये सिटी का प्राइमरी है R, वाई फेज का प्राइमरी है वाई बल जो बस बार है, बी फेज में जो सिटी लगा है उसका प्राइमरी ये बी फेज है, ये है सिटी। तो सिटी में क्या है, देखिए आप मल्टीपल से पीछे में इसका पोर्ट में देखेंगे, स्क्रू होगा जिसमें हम लोग केबल कनेक्ट कर सकें। तो S1 S2 दे दिया, यहाँ पे ए फेज, ए मतलब आर, बी फेज और सी। देखिए S1 S2 कनेक्ट कर दिया, S1 S2 S1 S2, यहाँ पे आप लोग S2 और S1 को इंटरचेंज मत करिए, नहीं तो इसका रिजल्टेंट करंट जो एवरेज करंट दिखेगा वो गलत दिखेगा, ठीक है, आपको इसके वजह से KWH भी गलत दिखेगा। तो इसे ध्यान से कनेक्शन करना है। तो सारा S1 S2 हम लोग इसका पोर्ट में कनेक्ट कर दिया, ठीक है।
तो इसको और एक चीज हमें दिखाया ड्रॉइंग में, जिसके सिटी का प्रोटेक्स है क्योंकि इसका सेकेंडरी ग्राउंड रेड रहते एस टू। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ सारा एस टू को शॉर्ट कर देंगे, ये एस टू, और यहां से वायर लेके हम लोग ग्राउंड कर देंगे। ये है सिटी का सेकेंडरी का जो एस टू है उसको ग्राउंड करना चाहिए। ठीक, ये हो गया थ्री फेज सिस्टम में इसका कनेक्शन। अगर ये मान लीजिए हमारा क्या, मैं बोल रहा हूं ये जो आर वाई बी एन जो है 440 वोल्ट विद न्यूट्रल है, ये एलटी सिस्टम है, लो टेंशन लो वोल्टेज सिस्टम का है। तो यहाँ पे क्या क्या पैरामीटर पुट करना है, सीटी का रेशियो देना है, और यहाँ पे और एक ऑप्शन आएगा वीटी, मतलब वोल्टेज ट्रांसफार्मर या पोटेंशियल, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है नो वीटी। आप जानते हैं कि जो एलटी सिस्टम है 440 सिस्टम में 440 सिस्टम में पीटी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर यानी वोल्टेज ट्रांसफार्मर यूज नहीं होता है। ठीक है, वो कहाँ यूज होता है, जो हाई वोल्टेज सिस्टम में, वो भी मैं बताऊंगा। तो ये हो गया आपका कनेक्शन, यहाँ पे पैरामीटर सीटी रेशियो देना है और नो वीटी सेट करना है, और जो इसका सिस्टम है 3PH विद न्यूट्रल ये पैरामीटर सेट करना है, तो आपको सही से ही दिखेगा। ठीक है, इसके बाद मान लीजिए सीटी का रेशियो कितना है, 1200/5, तो सीटी रेशियो 1200/5 फुट करना है। इसके बाद सेम एनर्जी मीटर हम लोग कैसे सिंगल फेज सिस्टम में यूज करेंगे वो भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं एनर्जी मीटर सेम है, लेकिन कनेक्शन कैसे चेंज हो गया। ये है हमारा सिंगल फेज का, सिंगल फेज में सेम एनर्जी मीटर को हम लोग कैसे कनेक्शन करेंगे। देखिए ये फेज है और ये न्यूट्रल है, फेज में हमारा एक सिटी लगा है, वहां पे आप क्या देखे थे, तीन सिटी लगा था, तीनों फेज में तीन सिटी, और यहाँ पे एक सिटी है। ठीक है, ये ऑक्सिलरी सप्लाई है, फिर इसको हम लोग से दे देते हैं ऑन करने के लिए, डिस्प्ले ऑन करने के लिए, मीटर को ऑन करने के लिए यहाँ पे हम लोग सप्लाई दे दिए 220, और यहाँ पे देखिए ये मैं क्या क्या बोला, कोई भी मीटर को ऑन करने के लिए सप्लाई चाहिए, सप्लाई दे दिया, लेकिन इसको जो पैरामीटर कैलकुलेट करने के लिए KWH वोल्ट एम्पियर कैलकुलेट करने के लिए वोल्टेज और करंट का रेफरेंस देना जरूरी है। तो वोल्टेज का रेफरेंस कैसे देंगे, फेज उठाया तो वी एट वाला जो पोर्ट है उसमें हम लोग दे दिया, और न्यूट्रल उठाया क्या क्या वी एन में दिया, बाकी दो जो पोर्ट खाली था वी बी और वी सी जहाँ पे हम लोग वाई और बी का रेफरेंस दिया था वहां पे लूप कर दिया। ठीक है, सिंगल फेज है, वोल्टेज का रेफरेंस दे दिया, वोल्टेज और न्यूट्रल का दे दिया, लेकिन बाकी दो पोर्ट को हम लोग खाली नहीं रख सकते, बाकी तो पोर्ट में भी हम लोगों को न्यूट्रल देना पड़ेगा, तो न्यूट्रल दे दिया। ये जो कनेक्शन हो रहे हैं एज पर इसके मैनुअल के हिसाब से, ठीक है, आप स्नाइडर का कोई भी एक मल्टीप्लिकेशन मीटर का मैनुअल चेक करेंगे तो कनेक्शन ऐसे मिलेगा आपको। इसके बाद क्या है, जैसे कि आप देखिए सेम एनर्जी मीटर है, तो S1 S2 S1 S2 S1 S2 तीन फेज है करंट चेक करने के लिए, इसका तीनों सिटी का पोर्ट खाली है, अभी हमारा है एक सिटी है, इसीलिए क्या किया, जो S1 है तो जो R फेज के S1 जहां पे करंट किया वहां पे S1 दे दिया, और S2 को हम लोग दे दिया S1 S2 में, लेकिन क्या किया बाकी जो तीनों दो पोर्ट खाली हो गया वाई फेज का बी फेज के लिए सिटी कनेक्शन के लिए, उसका S2 में हम लोग सेम सिटी का लूप कर दिया, केबल लेके लूप दे दिया। तो ऐसा हम लोग कनेक्शन करेंगे तो सिंगल फेज का सारा पैरामीटर KWH वोल्टेज करंट हम लोग मेजरमेंट कर सकते, मैक्सिमम डिमांड जो कुछ भी पावर फैक्टर हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। कनेक्शन ऐसा होगा S2 तीनों जो S2 में लूप रहेगा वही S2 सिटी के साथ कनेक्शन है, और S1 सिर्फ S1 में कनेक्ट होगा, बाकी जो S1 है वो खाली रहेगा। यहाँ पे पैरामीटर पुट करने के लिए आपको देना पड़ेगा 1PN सिंगल फेज विथ न्यूट्रल टू वायर, ये पैरामीटर चेंज, अब वहां पे क्या किया था 3PH किया था ना, 3PHN ये पैरामीटर दिया था, लेकिन इसके बाद ये पैरामीटर आपको चेंज करना है, सीटी का रेशियो जो था सीटी रेशियो आपको डालना है। ठीक है, चलिए इतना ही, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।